है अपोजिट साइड आर इक्वल इन द लेंथ, अपोजिट साइड आर इक्वल इन द लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ मतलब जो कि जो, ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होती है लेंथ में। हाँ उनकी लेंथ बराबर होती है। उम्र मत लिख देना, वजन मत लिख देना, वजन बराबर नहीं होता, उनकी वजन बराबर नहीं होता। वैसे भी लाइन का वजन कहाँ से होगा यार, लाइन को तौला जाता है या लाइन को नापा जाता है? नापा जाता है। हाँ तो तौल मत लेना। चलो दूसरा दूसरा है अपोजिट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल और पैरेलल का मतलब आपको मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम है सर। बोलो क्या होता है पैरेलल सर पैरेलल जैसे फेस टू फेस एंड मतलब सर एक्सप्लेन कैसे मतलब? नेवर करें। मीट, लिख लो उसमें नेवर मीट, नेवर मीट ऑन एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड करने पर कभी वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना नेवर मीट, आप उसको आगे बढ़ाते जाओगे कभी मिलेगा नहीं। पॉइंट नंबर थ्री अपोजिट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या अपोजिट एंगल्स हैव लिख लो, अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल मेजर, अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल मेजर। अच्छा अब एंगल का लेंथ मत लेना, मैं ये सब बातें जान के बोलता हूं, इक्वल मेजर। तो अब एंगल का लेंथ लिखेंगे या एंगल का मेजर लिखेंगे? एंगल का मेजर मतलब डिग्री में, और एंगल को किसमें मेजर करते हैं? डिग्री में। 50 डिग्री, तो ये वाला भी कितना होगा? 50 डिग्री, ये वाला 130 डिग्री, तो ये वाला भी 130 डिग्री होगा। तो अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल मेजर, ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर। ठीक है, सर। कितने पॉइंट लिखे? तीन लिख लिया सर। अगला लिखो एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लिख लिया। यस सर। अच्छा एडजेसेंट एंगल मतलब कौन सा वाला एंगल? सर एडजेसेंट एंगल मतलब चिपके हुए हैं। तो ए का एडजेसेंट कौन सा है, एंगल ए का एडजेसेंट कौन सा होगा? एंगल बी। और एंगल डी, दोनों दोनों तरफ से होगा ना भाई, यस चिपका हुआ इधर से भी होगा इधर से भी होगा। अब आपका घर है कॉर्नर वाला, आपका घर तो कॉर्नर में, तो आपका एक एडजेसेंट है कि दोनों तरफ एडजेसेंट है? सर है तो दोनों तरफ क्योंकि पीछे भी तो है। अच्छा हाँ, मगर यहाँ पर पीछे नहीं होगा, यहाँ पर दो ही होगा, एक ए का एडजेसेंट होगा बी, और ए का एडजेसेंट कौन सा होगा? डी। अच्छा पीछे वाले को तो हम क्या बोलेंगे, बैक बोल देंगे ना, एडजेसेंट होगा अड़ोसी पड़ोसी, अपोजिट और बैक की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है एडजेसेंट की। तो देखो आप यहाँ पर यदि एंगल ए 50 का, अच्छा सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब सप्लीमेंट्री का मतलब सर सप्लीमेंट्री का मतलब वो होता है ना सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलो लिख लो ब्रैकेट में, लिख लो सप्लीमेंट्री, राइट डाउन इन ब्रैकेट,
ब्रैकेट में लिख लो भैया, सप्लीमेंट्री का मतलब ब्रैकेट में लिख लो, सप्लीमेंट्री का मतलब ब्रैकेट में पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल हूज सम इज 180 डिग्री, ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 होता है। अच्छा, ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 होता है, तो मुझे एक सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल दो। सर 90 और 90 ना, ना वो तो आपने मेजर बोला, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी आपने पढ़ा ना पॉलीगन, यस सर, पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं ना। यस सर, हाँ तो सप्लीमेंट्री। अच्छा, यदि ये एंगल ए 50 डिग्री का है तो एंगल बी कितने का होगा सर, 180 माइनस 50। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लिख लिया। यस सर। अच्छा, इसको फेयर में लिखना है, ध्यान रखना। मैं आपको एक बात और बता दूं भूवी सिंह, ये आप जब एलजेब्रा करते हो तो एलजेब्रा में आपको मैंने क्या बताया था, ट्रांसपोजिंग, रेसिप्रोकल, एलसीएम, वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप ज्योमेट्री करते हो ना, तो ज्योमेट्री करने में ट्रांसपोजिंग और रेसिप्रोकल काम नहीं आएगा, ज्योमेट्री करने में काम आती है प्रॉपर्टीज। ये जो है इसके बारे में पूरी डिटेल, ये डिटेलिंग आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस में दिमाग लगा पाओगे। ठीक है, यस सर। अरिथमेटिक में होती है फॉर्मूला, जैसे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ, और ज्योमेट्री में क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। फिर से, तो ये जैसे आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं वैसे आपको इनको भी याद करना होगा। पैरेललोग्राम की कितनी प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की होती है 5 प्रॉपर्टीज। अच्छा, पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो, डायगोनल्स आर, एक मिनट, नहीं ठीक है रहने दो, 5 प्रॉपर्टी होगी। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम का सबसे बड़ा वाला बेटा कौन है, रेक्टेंगल, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, ये डायग्राम बना लेना पैरेललोग्राम का, ऐसा बनाया नहीं, बना बना तभी समझ में आएगा पैरेललोग्राम ऐसा होता है। लिख लिया? यस सर। बोलू आगे? यस सर। आप लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो ना? यस सर। आप ऐप में जाना, ऐप में जाकर के आज की क्लास में जा, रिकॉर्डिंग में देखा कभी जाके? नहीं सर। आपको नहीं पता? आई थिंक वो मेरे लिए नहीं है, वो सिर्फ आपको दिखता होगा। नहीं, वो सबके लिए, जिस बच्चे को, आपके लिए भी है, आप देखना आज ट्राई करके, जो आज की क्लास होगी ना उसमें आप देखना रिकॉर्डिंग का सेक्शन आता है, तो रिकॉर्डिंग आज की, हाँ रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, यस सर। तो ये जो क्लास अभी हम लोग क्या, कुछ नहीं, अभी हम लोग जो ये क्लास कर रहे हैं ना, और ये जो बातें हो रही हम दोनों के बीच में, यस सर, ये सब रिकॉर्ड हो रही है, समझे? तो जब आप बड़े हो जाओगे ना, 12th में चले जाओगे, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो हम लोग पढ़ाई करते थे, ये रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगी। आज आप ट्राई करना, आज आप देखना, आपके ऐप में जाना, ऐप में जाकर के उसमें रिकॉर्डिंग सेक्शन होगा, रिकॉर्डिंग में जाके देखना टुडेज क्लास, पिछली वाली क्लास है वो भी रिकॉर्डिंग हुई थी। डेट वाइज, डेट वाइज मतलब क्या, हर दिन जो हम क्लास करेंगे उसको, करंटली सिर्फ एक ही दिखा रखा है कि एक ही लेक्चर क्रिएटेड है रिकॉर्डिंग में, नहीं और भी लेक्चर जो है ना वो भी है रिकॉर्डिंग, दो लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके अभी तक। अच्छा, ओके,
चलो अगला लिखो प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ, लिख यस सर लिख लिया लिख है लिया प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। सर, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉब्लम, अच्छा मुझे ये बता दे रेक्टेंगल किसका बेटा है सर, रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम का बेटा। और पैरेललोग्राम का बेटा है, तो बेटे में बाप के गुण आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आएंगे सर। लिख दे रेक्टेंगल कंटेन ऑल दी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल कंटेन्स ऑल दी ठीक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब प्रॉपर्टीज लिख लिया सर। क्या हुआ सर? सर मतलब जैसे रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इक्वल होती है, और ऑपोजिट एंगल्स का मेजर भी इक्वल होता है, और एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये जितनी प्रॉपर्टी मैंने आपको पांच बताई ना पैरेललोग्राम की, ये पांचों फिर से लिखवाओ, या इससे बेटर आपको ये याद हो गया कि रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टी आएंगी पैरेललोग्राम की। अच्छा अब ये बता मेरे को, बेटे में बाप के सारे गुण तो आ जाते हैं, मगर जब बेटा बड़ा होता है तो वो भी तो कुछ सीखता है ना अपने खुद के दम पे, अपने खुद के दम पे अपनी खुद की भी तो पहचान बनाता है। मेरे में मेरे फादर के सारे गुण आ गए, तो मगर ऐसा थोड़ी कि मेरे में अपना कुछ नहीं है, आई हैव माई ओन आइडेंटिटी, मेरी अपनी खुद की भी तो आइडेंटिटी है कि नहीं है, या टोटल मैं अपने पूरा का पूरा मेरे फादर की टू कॉपी हूँ, ऐसा थोड़ी होता है भाई। फादर के गुण आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है। अब रेक्टेंगल में सारे गुण तो किसके आ गए, पैरेललोग्राम के, तो रेक्टेंगल की अपनी कोई खुद की पहचान है कि नहीं है, कि रेक्टेंगल की भी कुछ आइडेंटिटी अपने आप में है कि नहीं, यस सर है बोलो क्या है? सर। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। हाँ ये खासियत है रेक्टेंगल में जो कि उसके फादर में नहीं आई। रुक जा रुक जा रुक जा, और भैया रुक जा, इसको मैं थोड़ा सिस्टमैटिक लैंग्वेज में लिखवा दूं, आपने इसको बोला कॉमन भाषा में, मैं इसको एक लैंग्वेज बना के स्टेटमेंट लिखवा दूं। लिखो सेकंड, एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर, एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर, एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर, मतलब लिख लिया। ये देखो ये दोनों कौन सी साइड, मैंने कौन सी बोली, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होंगे या एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर होंगे, एडजस्टेंट मतलब पड़ोसी, ये दोनों चिपके हुए हैं ना, जो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर, अच्छा मतलब वही हुआ जो आपने बोला। लिख लो ब्रैकेट में लिख लो, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, इसका मतलब लिख लो ब्रैकेट में जो आपकी लैंग्वेज है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, लिख लिया। लिख लिया सर। अच्छा ये क्या है बता, ये पैरेललोग्राम ये क्या है बता, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल में सारे के सारे प्रॉपर्टी किसकी आई, अपने पैरेललोग्राम की, मगर उसमें अपना खुद का भी खास है कि नहीं, कुछ जो उसने अपने खुद दैट अपने दम पे कमाया वो क्या है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ एन एंगल आर परपेंडिकुलर। अच्छा और कोई खासियत है क्या रेक्टेंगल में जो उसने अपने बाप से नहीं ली, खुद कमाई, नहीं हाँ है, सर लिखो ये एक और है लिखो, लिखो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो यस सर दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं,
ठीक है। ओके सर। अच्छा ये नया है, ध्यान रखना ये दोनों बातें पैरेललोग्राम में नहीं है, ठीक है। ये दो बातें जो स्पेशल मैंने बताई हैं ये पैरेललोग्राम में नहीं। कौन सा? एक तो चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और ये दोनों और डायगोनल। अच्छा ट्रायंगल डायगोनल की क्या इक्वल होती है, वजन या लेंथ? लेंथ। अच्छा वो लिखवाने की जरूरत नहीं, वो तो मालूम है ना, अंडरस्टूड है वो। अच्छा चलो अब लिखो अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, दूसरा बेटा। यस लिख लिया। अब बताओ, अब भैया अब ये दूसरा वाला बेटा है, तो बेटा है तो बेटा ही ना, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टियां इसमें होंगी कि नहीं होंगी? यस सर है थोड़ी सी है थोड़ी सी नहीं, सारी है, सारी है, सारी। सर। सारी थोड़ी है, ऑपोजिट साइड वाली तो थोड़ी है, वो सारी की सारी साइड इक्वल होती है। अच्छा मतलब आपका मतलब ये कहने का है, यदि ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी, तो आपका मतलब ये है कि अपोजिट साइड इक्वल नहीं है? सर मैं कह रहा हूँ कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये लिखने का क्या फायदा कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। नहीं, अल्टीमेटली अपोजिट साइड इक्वल है या नहीं है, मेरे को इसका आंसर दो, इसमें ये दोनों बराबर है या नहीं है? है सर। तो हम बोल सकते हैं हाँ आपका भी पॉइंट सही है, मगर ये डिनाई भी तो नहीं कर सकते ना, हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टियां इसमें है कि नहीं है, देखो चेक करो। हाँ है सर। अच्छा भाई ऐसा भी होता है पता है आपको, कभी कभी जो होता है ना घर का दूसरा बेटा जो होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा अपने भाई से भी सीख लेता है, यस सर। तो थोड़ा थोड़ा अपने भाई से भी सीख लेता है, तो क्या स्क्वायर में थोड़े से रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी आ गई है क्या? यस सर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सेम चीज है। एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर। और दूसरा वाला पॉइंट जो था वो, डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। यस ये दोनों तो लिख लो इसमें, इसमें दोनों इसमें लिख लो, मतलब स्क्वायर क्या होता है, सुनो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी और रेक्टेंगल की सब आ गई इकट्ठा, देखो स्क्वायर हैव ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी यहां घुस गई और पैरेललोग्राम की तो खैर होगी ही, आया समझ में? यस अच्छा अब फिर बात वही मैं पूछूंगा आपसे कि क्या इसकी अपनी कोई औकात नहीं है स्क्वायर की, है। सर क्या है बताए औकात? इसका कुछ अपना कुछ नहीं है, अपने दम पे इसने कुछ नहीं किया स्क्वायर ने, खाली अपने फादर और भाई के दम पे ही है क्या ये, कि अपने दम पे भी कुछ है? अपने दम पे भी नहीं सर, नहीं है शायद। है लिख, ऑल द साइड्स आर इक्वल। सर ये तो सेम ही चीज हो गई। यस नहीं, ये गुण देख रेक्टेंगल में नहीं था, चारों साइड इक्वल थी रेक्टेंगल में, बोल नहीं, पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल थी नहीं, है ना, तो ये स्पेशल है जो सिर्फ स्क्वायर के पास में। ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग सबसे छोटे वाले बच्चे की तरफ, सबसे पैम्पर चाइल्ड, घर का सबसे छोटा बच्चा पैम्पर। और आपको बता दूं मैं, जो घर से सबसे छोटा बच्चा होता है ना घर का, यस सर। वो थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है क्योंकि सबका लाड़ खिलता है उसको, यहाँ भी जो सबसे छोटा वाला कौन है, रोम्बस, ये थोड़ा बिगड़ गया है ना? अब कैसे बिगड़ गया मैं बता देता हूं आपको, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस।
एक मिनट रुक जाओ, वेट 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 वेट, इसमें एक पॉइंट और लिख लो, स्क्वायर में एक और पॉइंट लिख लो। स्क्वायर में क्या क्या लिखा आपने फर्स्ट पॉइंट? सर फर्स्ट पॉइंट ये लिखा, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, स्क्वायर हैज ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम आर देयर इन स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। अरे इतने सारे कहां से लिख लिए आपने? सिर्फ दो तो बोले थे मैंने। हाँ सर दो ही लिखे हैं, आप कोई समझ लो। नहीं दो क्या क्या लिखे बोलना जरा। सर एक तो वो लिखा है कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम आर देयर इन द स्क्वायर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। चलो तीसरा इसमें एक और लिख लो जो स्पेशल है, स्पेशल जो इसने अपने दम पे नाम कमाया है उसका लिख लो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, लिखो लिखो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। लिख लिया? यस सर। अच्छा ये जो पॉइंट मैंने बताया ना आपको, ये 90 डिग्री यहां पे बनता है। बाइसेक्ट जो है ना वो तो ठीक है, मगर स्पेशल क्या है, यहां पर 90 डिग्री होता है, ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, ये चारों आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। आया समझ में? यस सर। तो स्क्वायर में दो अपनी खासियत है, पहली तो उसकी ऑल साइड्स इक्वल और दूसरी कौन सी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ध्यान रखना 90 डिग्री। ओके यस सर। अच्छा अब आते हैं, अब आते हैं रोम्बस, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है क्या? बोलो। यस सर है। अच्छा रेक्टेंगल की है? यस सर है। स्क्वायर की है? यस सर। स्क्वायर की भी है? स्क्वायर की भी है क्या? नहीं सर स्क्वायर की नहीं है, स्क्वायर की खुद वाली नहीं। अच्छा इसमें ना थोड़ा सा गड़बड़ है हिसाब किताब, इसमें इसमें ये थोड़ा मिलता जुलता है, मतलब इसने क्या किया है रोम्बस में, ये थोड़ा सा पैरेललोग्राम से मिलता है और थोड़ा सा छोटे वाले मतलब किससे, स्क्वायर से मिलता है, रेक्टेंगल किसका झगड़ा है, ठीक है। ये जो छोटा वाला तीसरा वाला जो डेटा है, आपने तो बोला था कि स्क्वायर की कोई प्रॉपर्टीज ही नहीं है। क्या क्या? स्क्वायर की कोई प्रॉपर्टीज ही नहीं है सर, तो वो रेक्टेंगल से मैंने कब बोला सर? अभी तो बोला कि स्क्वायर की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। समझा नहीं मैं, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, आप क्या गलत समझ लिया आपने कुछ? सर ये प्रॉपर रोम्बस के प्रॉपर्टीज में स्क्वायर की नहीं है। अच्छा नहीं वो शायद मैंने गलत बोल दिया होगा, नाउ आई एम करेक्टिंग। सुनो जो लिखो प्रॉपर्टीज लिखो रोम्बस की, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट कंटेन ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो तय है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है, नो डाउट, इट कंटेन ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। लिखिए। यस सर। अच्छा अब स्क्वायर का पॉइंट नंबर दो और तीन बताओ क्या था? स्क्वायर में पॉइंट नंबर दो था तो ऑल साइड्स आर इक्वल और वो था डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हाँ तो ये दोनों पॉइंट्स रोम्बस में आ जाएंगे, लिखो रोम्बस कंटेन प्रॉपर्टी नंबर टू एंड थ्री ऑफ स्क्वायर।
रोम्बस कंटेन प्रॉपर्टी नंबर टू एंड थ्री ऑफ स्क्वायर. यस सर, लिख लिया. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब रोम्बस की भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. हाँ तो भैया जो रोम्बस है छोटा वाला है, इसका झगड़ा किससे? रेक्टेंगल. हाँ रेक्टेंगल से इसका झगड़ा है. रेक्टेंगल से इसकी बनती नहीं है, है ना? बनती नहीं है. बाकी पैरलोग्राम से बनती है, अपने फादर से तो खैर बनेगी, और स्क्वायर से भी बनती है. ओके तो मैंने आपको इस तरह से जो सारी बातें बताई, अब आपको सारी प्रॉपर्टी समझ, अब इसे याद हो जाएंगी आपको सारी. बोलो. यस सर. चलो याद करके होमवर्क नोटबुक में इसको लिखना सारा फिर से बिना देखे, अच्छी अच्छी राइटिंग में, ताकि आपके नोट्स आपके पास में रहें. और डायग्राम बना लेना सबके साथ में, रेक्टेंगल, पैरोग्राम, रोम्बस, इन सबके डायग्राम बना लेना. अगली क्लास में मैं एक और टेबल बनाऊंगा, एक बहुत बड़ी टेबल बनाऊंगा. उसमें जैसे आपको पॉलीगन की टेबल बनाई थी मैंने. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? और नहीं कुछ नहीं. अच्छा नहीं नहीं आपको दोबारा लिखना है होमवर्क नोट में, दोबारा लिखना है ताकि याद हो जाए. दोबारा हमें जो काम करना है वो हम रिविजन के लिए करते हैं. ठीक है? Yes. ठीक है चलो, क्लोज. सी यू, बाय, टेक केयर. रिकॉर्डिंग देख लेना आपको देखना हो तो. ओके सर.